मान्यवर, हम लोगों ने बचपन से एक नारा पढ़ा, छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार छोटा हो, सुखी हो, सीमित हो, इसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। बिल्कुल परिवार छोटा होना चाहिए, लेकिन जब अभी हमारे चर्चा में तोमर जी अभी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ रूढ़िवादी लोग विरोध करते हैं। उनको शायद याद नहीं होगा मान्यवर, जब 1975 में इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस वक्त की जनसंघ जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी बन गई है उसने तो नसबंदी कानून का विरोध किया था मान्यवर। नसबंदी कानून के खिलाफ ये लोग खड़े थे, ये इनका इतिहास है। जेलों में गए थे, जेल भरा था इन लोगों ने। और जिस जो सरकार नसबंदी लेके आई थी उस सरकार की नसबंदी कर दी थी इन लोगों ने, उस सरकार की नसबंदी कर ली थी। और बड़े चालाकी से बिल लाया गया माननीय राकेश सिन्हा जी के द्वारा। यह कानून ना तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू होगा, ना तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लागू होगा, ना तो खट्टर साहब के ऊपर लागू होगा, ना भागवत जी के ऊपर लागू होगा। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं राकेश सिन्हा जी, मेरे भी दो ही बच्चे हैं, मेरे ऊपर भी आपका कानून लागू नहीं होगा। अगर गलती से पास हो गया तो ये मेरे ऊपर भी लागू नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं माननीय कि अभी एक जनसंख्या नियंत्रण का विधेयक आया उत्तर प्रदेश में, वो विधेयक मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में पाबंदी, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति से पाबंदी, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ सकते, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ सकते, नगर पालिका की चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों भाई, सारी शुरुआत नीचे से करोगे? एक कानून बनाए, अगर आप बना रहे हैं तो आप लिखिए 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला सांसद नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला विधायक नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, खाली प्रधान नहीं बन सकता। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो प्रधान नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? और दूसरी चीज, परिवार होना चाहिए मान्यवर, सीमित होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। अब परिवार नहीं होगा तो आप थके हारे दुनिया भर के तनाव से जब घर में पहुंचते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे जब हंस के आपसे मिलते हैं, उससे आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। जब परिवार होता है तो आपको चिंता होती है बच्चे की फीस की, आपको चिंता होती है नौजवान होने पर उसके रोजगार की, आपको चिंता होती है बहती हुई बढ़ती हुई महंगाई की, आपको चिंता होती है बेरोजगारी की, अशिक्षा की, स्वास्थ्य की, व्यवस्था की। मानो इसलिए परिवार होना बहुत जरूरी है और परिवार का महत्व हम सबको समझने की आवश्यकता है मान्यवर। मैं यहां तक देखता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कि माफियाओं में भी एक अलिखित समझौता होता है कि भाई हम लोग आपस में लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे के परिवार को नहीं टच करेंगे। यानी माफिया भी परिवार के महत्व को समझता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पिछले दिनों मान्यवर, 2 दिन पहले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग राजनीति में हैं, एक दूसरे से लड़े, चुनाव लड़े, जीते हारे जो भी परिणाम आए कोई बात नहीं, लड़िए, यह आपका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हमसे लड़िए। लेकिन अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के परिवार पे हमला, जहां पे उनके बूढ़े मां बाप रहते हैं मान्यवर, जहां पे उनके 2 बच्चे रहते हैं मान्यवर, जहां पे उनकी पत्नी रहती है, उनका एक बच्चा है मान्यवर अम्मू, जब वहां हमला हो रहा था वो दौड़ते हुए अपनी मां की तरफ गया, उसने कहा मां पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, गुंडे आ गए, गुंडे आ गए। उस बच्चे को नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा के एक सांसद के साथ वहां पहुंच गए। लड़ना है हमसे लड़ो, एक हमला कर रहे हो, पंजाब का चुनाव हार गए तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या करवाने पर लग गए हो, हिंसा फैला रहे हो। और मान्यवर खत्म कर रहा हूं, किस बात पे आप ऐसा कर रहे हैं, आप किस बात पे ऐसा कर रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूं मान्यवर, कश्मीरी पंडित मैं खत्म कर रहा हूं, आप ले लीजिए संजय सिंह जी, धन्यवाद सर, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, अंतिम रूल सर, अंतिम रूल सर, अंतिम पॉइंट अंडर विच अंतिम पॉइंट रूल सर सर, अंतिम पॉइंट केजरीवाल के बोलिए, आपका समय से खत्म कर रहा हूँ बस सर। सर कश्मीरी पंडितों के दुख में हम सब शामिल है, कश्मीरी पंडितों के दुख में आप भी शामिल है, हम भी शामिल है।
आप कहते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ अन्याय हुआ, उनके साथ हिंसा हुई, उनकी हत्या हुई, अत्याचार हुआ, लेकिन ये कौन सा तरीका है मान्यवर? मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंसा कश्मीरी पंडितों के साथ हुई वही हिंसा आप अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ दिल्ली में करना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं।